गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन मैथ्स क्लास। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, लाइंस एंड एंगल्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एंगल्स एंड लाइंस। ओके, लाइंस तो आप सभी को पता है, लाइंस इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंगल्स दो रे के बीच, दो रेज को अगर हम मिला दें तो हम क्या है, एक एंगल जो है फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जिनका सम जो है वो कैसा होता है, 180 होता है। ठीक है, मींस एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 180। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 75, बी इक्वल्स टू 105। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90। टू एंगल्स सब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अगर इनका सम जो है 90 हो, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स। टू एंगल जो है जब उनका वर्टेक्स कैसा हो, सेम हो, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, वर्टेक्स उनका सेम है और उनमें एक जो वन आर्म है वो भी कॉमन है, तो इस टाइप के जो एंगल होते हैं उन्हें हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये जो है नेबरिंग एंगल्स भी हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है इन, जैसे कि यहाँ पे एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। नाउ नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल जो हैं उन्हें एक लीनियर पेयर कहते हैं अगर इफ़ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। अगर उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट रे, यानी कि एक इधर जा रही है तो एक उधर जा रही है। बेसिकली अगर एक लाइन पे दो एंगल अगर बन रहे हैं तो वो हमारे कैसा होगा, वो लीनियर पेयर बोलते हैं, और उन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर टू लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर दी हैं, तो यानी कि इस तरीके से जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं आमने सामने के, वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। वो दोनों ही एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल बी ओ सी और एंगल डी ओ ए, ये दोनों क्या होंगे, एंगल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ बी, ये दोनों भी क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और आपस में इक्वल होंगे। नाउ मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यहाँ पे आपको एंगल्स दी गए, आपको उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि 90 में से आप इस एंगल को माइनस कर देंगे और इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 35 डिग्री है, 35 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 में से जब आप 35 को माइनस करेंगे, यानी कि 90 में से जब आप 35 को माइनस करेंगे, तो यानी कि 55 जो है आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि 80 का सप्लीमेंट कितना होगा आपका,